Hi guys, Assalamualaikum. This is Nadia Hussain. Welcome to my YouTube channel. Today is a very exciting video क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ पूरा मेरा फुल लक्स स्टाइल अवार्ड्स का मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करूंगी। आज जो है वो मैं तैयार हो रही हूँ फॉर द लक्स स्टाइल अवार्ड्स एंड आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू माई एंटायर जर्नी ऑफ what it is that I'm doing for my makeup. So let's get started. Okay guys, so skin prep मैंने कर ली है. I have applied my the creams जो मैं इस्तेमाल करती हूँ and serums and all, क्योंकि वो ज़ाहिर है थोड़ा सा पहले मैंने किया है. But before I use my Pro Wear matte foundation, I have to apply a little bit of baby oil क्योंकि अब थोड़ा बहुत मौसम भी change हो गया है. So I do have to apply a little bit of baby oil. तो मैं हमेशा baby oil लगा के and then I do my matte foundation. But I am doing a matte foundation क्योंकि वहाँ पे अच्छी खासी गर्मी भी हो जाएगी and overall जो है वो I don't want कि मेरा जो makeup है वो you know बहने शुरू हो जाए. even though खैर बहता नहीं है but I want a long lasting base as well. So my Pro Wear matte जो है ये Pro Wear matte foundation, ख़ास तौर पे ये Pro Wear matte, this is the long lasting foundation जो कि मैं इस्तेमाल कर रही हूँ. right now I'm using the color Loving. Okay, one pump really goes a very long way. so मैं बिल्कुल जो हूँ वो छोटा सा एक डॉट इस्तेमाल कर रही हूँ, one pump of the Pro Wear matte foundation and I have to ensure कि मैं जल्दी जो हूँ वो इसको spread करूँ so that it is not going to get mattified. so जल्दी से जो हूँ वो इसको मैं spread कर रही हूँ. it's a very heavy coverage foundation, it is my favorite foundation which is a very long lasting, sweat proof, waterproof foundation. For the under eye concealing and brightening, I am using my Magic Cream Compact in the color Playful. Powder, I am using my Power Buff in the color Cream. And what I always like to do is कि मैं जो हूँ वो हमेशा एक lighter colored powder अपने under eye पे, center of the face पे मैं अपना एक अलग lighter colored powder लगाती हूँ so that you know जो मुझे area highlight करना है वो powder के ज़रिए भी highlight हो जाए. and for the rest of the face मैं इस्तेमाल कर रही हूँ the color Truffle. ये है कलर ट्रफल. दिस इज़ अ स्लाइटली वार्मर टोन जो कि एक हल्का सा जो है वो स्किन टोन, नेचुरल टोन का कलर है. ओके सो जो मेरा हेयर एंड मेकअप और ख़ास तौर पे में जो मैं एक लुक रख रही हूँ इज़ वेरी क्लीन वेरी स्ट्रक्चर्ड आई एम कीपिंग लाइक अ वेरी बोल्ड ग्राफिक आईलाइनर तो मैं जो हूँ वो इस्तेमाल कर रही हूँ मेरा ब्लिंगलैम फेस पैलेट राइट हियर विच हैज़ द 4 शेड्स कॉन्टोर मैट ब्लश ऑन शिमर ब्लश ऑन एंड हाइलाइटर सो आई एम गोना कीप द मेकअप एंड यू नो लाइक द फेस मेकअप वेरी यू नो लाइक सटल लिप्स भी जो हैं बहुत सटल होंगे सिर्फ एक बहुत ही बोल्ड ग्राफिक किस्म का आईलाइनर मैं लगा कंटूर हैवी रख रही हूँ बिकॉज जो मैं आउटफिट पहन रही हूँ वो बड़ा बोल्ड और स्ट्रक्चर्ड किस्म का आउटफिट है और ठीक मेरे बाल होंगे यू नो जस्ट लाइक अ प्लेन जुड़ा विच आई एम कीपिंग विच इज़ माई स्टैंडर्ड हेयर स्टाइल तो इस वजह से आई वॉन्ट टू कीप द कंटूर अ बिट स्ट्रक्चर्ड एंड हैवी सो दैट यू नो लाइक माई फेस लुक्स अ बिट स्लिमर बिकॉज आई फील दैट यू नो मैं अभी एक हफ़्ता इस्लामाबाद से बाहर मैं कराची से बाहर गई हुई थी इस्लामाबाद फॉर अप्रॉक्सीमेटली अ वीक एंड आई हैव रियली 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 बिन लाइक ईटिंग एंड आई फील दैट आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट और यही जो स्पार्कल वाला शेड है ये मैं अपने आईज़ पे लगा रही हूँ बिकॉज मैं आईज़ पे जो हूँ वो कुछ और नहीं कर रही हूँ ओनली अ वेरी वेरी बोल्ड ग्राफिक आईलाइनर सो विच इज़ द रीज़न दैट आई डोंट वांट एनी अदर शेड ऑन माय आईज़ आईलाइनर के लिए आई एम यूजिंग माई ब्लिंगिटेयस आईलाइनर जो कि विच इज़ जस्ट द रेगुलर आईलाइनर ट्यूब वाला आईलाइनर एंड अब जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा फोकस करके जो है वो ये लाइनर लगाना है बिकॉज आई एम गोइंग अहेड विद अ वेरी ग्राफिक बोल्ड आईलाइनर Okay, so this is one hour and you know like generally कभी भी जो है ना वो मैंने इस किस्म का लुक जो है वो कभी भी किसी रेड कार्पेट के लिए नहीं किया है शूट्स के लिए और इसके लिए मैंने किया है लेकिन कभी भी रेड कार्पेट के लिए नहीं किया so I'm quite excited. ओके, आईलाइनर जो है वो हो चुका है. मैं जो हूँ वो लगाना चाह रही हूँ. आई एम जस्ट ट्राइंग टू नाउ डू माई आईब्राउज, ताकि फिर ये है कि मैं देखूँगी कि क्या इसकी फाइनल जो है वो लुक बन रही है. इफ़ आई नीड टू चेंज एनीथिंग अराउंड आईब्राउज के लिए आई एम यूजिंग माई आईलाइनर पेन, जो कि है फ्रॉम द ब्रांड ब्लिंक, फ्रॉम माई ब्रांड ब्लिंक बाय नादिया हुसैन, और कलर है डार्क ब्राउन. I'm setting it with the eyebrow mascara, जो कि है कलर नंबर 2. Using my Blingit mascara. I feel कि इसमें जो है वो मुझे लैशेस शायद लगाने की ज़रूरत ना पड़े, because overall जो है वो इतना सब कुछ black है that you know I think lashes are not really going to make a difference. Okay, I'm also applying जो मेरा वाइट जेल पेंसिल है वो भी मैं थोड़ी सी आँख में लगा रही हूँ, सो दैट आईज जो है वो थोड़ी सी पॉप आउट हो जाए. ओके, सो आई एम लाइक अ बिट कंफ्यूज्ड अबाउट द लैशेस. मुझे लैशेस का समझ नहीं आ रहा है कि मैं लगाऊँ कि नहीं लगाऊँ. अभी जो है वो अपना ओवरऑल मेकअप लुक को कंप्लीट करूँगी और एंड में जो है वो देखते हैं कि अगर मुझे लैशेस की ज़रूरत है कि नहीं है. बट राइट नाउ आई एम डूइंग माई लिप्स विथ माई ब्लिंग लिप पेंसिल, जो कि कलर है ब्राउन, और थोड़ा सा मैं लिप को अच्छी तरीके से डिफ़ाइन करूँगी, बिकॉज आई वॉन्ट लाइक अ नाइस पाउटी शेप बट अ वेरी वेरी न्यूड काइंड ऑफ अ कलर लिप कलर में. तो देखते हैं कि फिर क्या शेप जो है वो बनती है. और कलर में जो है वो मैं इस्तेमाल करूँगी मेरा वेलवेलक्स जो है इन द शेड, दिस इज़ द वेलवेलक्स लिपस्टिक इन द शेड ब्लशिंग ब्यूटी. आई वांट टू मेक अ वेरी नाइस पाउच काइंड ऑफ अ लुक, डार्क नहीं होगा. ओके, अब लिप्स में जो है वो मैं ख़ास तौर पे एक सेंटर में जो है जो लाइन होती है वो मैं क्रिएट कर रही हूँ. एंड आई एम काइंड ऑफ लाइक यू नो वांटिंग टू फेकली इन्हांस माय लोअर लिप. कैसे शेडोज क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक यू नो लाइक एक ऐसा इफेक्ट आ जाता है ऑफ अ वेरी वेरी पाउटी लिप. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करूं. So I am using the lip brush to blend my lip color and the lip line. Okay, अब makeup जो मेरा complete हो चुका है, but right now I'm going to quickly change, do my hair. wear my dress and फिर जो हूँ मैं end में देखूँगी अगर मुझे lashes लगाने की ज़रूरत है या नहीं. So I'll be back. ओके गाइज, मेकअप लुक तो मैंने कंप्लीट कर लिया था. आपको मैंने कहा था कि मैं ड्रेस और अपना बाल शाल बना के ज्वेलरी वूलरी जो है वो मैंने पहन ली है. अब जो है वो मुझे कन्फ्यूजन हो रही थी कि मैं लैश लगाऊं या ना लगाऊं. ये जो है ये लैश के साथ है, सो इट्स डेफिनेटली गिविंग अ मच मोर फुलर एंड यू नो कम्प्लीट लुक, जो कि ओवरऑल जो है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. तो आई एम डेफिनेटली स्टिकिंग विद लैशेज़. मैंने जो है वो इस वक्त लगाई हैं क्वीन बी की लैशेज़ एंड आई एम यूजिंग द 10 सेकेंड आई लैश क्रीम. जो लैश ग्लू है इसकी लाइन नज़र ना आ रही हो, सो आई एम जस्ट फिक्सिंग द लैश ग्लू लाइन. लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा हाइलाइटर. To do is my lip gloss. So here I am using my favorite Blingloss lip gloss, जो कि color है in the shade Halo. Is a little bit of more definition of the lip line. तो अब मुझे अपने पर्स में जो है वो कैरी करना है my lipstick, gloss, lip pencil और yeah, I think this is all that I'm going to carry. Let's go. जो वीडियो थी दैट वाज ऑल अबाउट माय LSA मेकअप लुक, जो कि पूरा आपको मैंने ट्यूटोरियल दिखाया है. दिस इज माय रेड कार्पेट लुक और ऑफ कोर्स इस रेड कार्पेट के पीछे हम थोड़ी थोड़ी स्निपेट्स जो है वो आपको दिखाएंगे. बट आज की जो वीडियो वाज ऑल अबाउट द लक्स स्टाइल अवार्ड्स मेकअप ट्यूटोरियल. आई होप कि आप लोगों ने इंजॉय किया. लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें, फीडबैक दें, शेयर करें और बहुत सारे अपराध. See you and catch you in the next video. Love you. Bye.